बढ़ते आगे, नौकरी का सपना देख रहे लाखों बेरोजगार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन शैक्षणिक और प्रतियोगी परीक्षाओं एक ही दिन आयोजित होने के चलते अब लाखों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में। रिपोर्ट देखिए। सितंबर का महीना प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच ही कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं। छात्र असमंजस में हैं कि वो किस एग्जाम में अपीयर हों, किसे छोड़ें। दरअसल 13 से 15 सितंबर तक एसआई भर्ती परीक्षा, जबकि इन्हीं तिथियों पर कई कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी एक दूसरे से टकरा रही है। हमने आरपीसी को पहले भी अवगत करवाया है और दो चार दिन से हम कैंपेन भी चला रहे हैं ट्विटर पे कि भाई आरपीसी को ये एग्ज़ाम पोस्टपोन करना चाहिए, और उसके अलावा हमने न्यूज़ भी दी है अखबार में। तो हम आरपीसी से यही मांग करते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम ना करवा के किसी अन्य तिथि को एग्ज़ाम करवाया जाए, जिससे ये स्टूडेंट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी दे सके हमारे जैसे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने सरकार से मांग की है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स डेट आगे बढ़वाएं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियां पहले ही घोषित थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी को अपने एग्जाम्स घोषित करते वक्त डेट्स का ध्यान रखना था। यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न यूनिवर्सिटियों की परीक्षा और एसआई भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर जारी हुआ वो टकरा रहा है। ऐसे में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाए, यूनिवर्सिटियों से बात की जाए और उनकी जो परीक्षा तिथि आई है उसको आगे करवाया जाए, जिससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे चाहे एसआई भर्ती हो चाहे अन्य भर्ती परीक्षा है वो सही समय पर हो सके और बेरोजगारों को राहत मिल सके। छात्र संगठन एसएफआई भी विद्यार्थी हितों के इस मुद्दे को लेकर अब मांग उठाने लगा है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेते हुए सरकार लाखों विद्यार्थियों को राहत दे। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं पूरे राजस्थान का युवा बेरोजगार विद्यार्थी कि आप बीच का रास्ता निकालो या भर्ती परीक्षा की तिथि को आप आगे कीजिए, ताकि राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और राजस्थान के जो विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की है उनके साथ अन्याय न हो। बहरहाल एक ही तिथि पर दो परीक्षा होने के चलते लाखों अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं, क्योंकि शैक्षणिक परीक्षा का परीक्षा केंद्र जहां गृह जिले में आवंटित है, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा सेंटर बाहरी जिलों में है। ऐसे में अब परीक्षार्थियों ने छात्र हित में सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। और इन छात्रों को राहत कब मिलेगी, बड़ा